हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। दिस इज अपर्णा हियर वंस अगेन। सो फ्रेंड्स, आज एक यूनिक सा स्वीट डिश लेके मैं आई हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको रेड बटन प्रेस करना है और बेल बटन प्रेस करनी है नोटिफिकेशन के लिए। सो फ्रेंड, जैसे कि आपने काफी स्वीट डिश वगैरह खाए होंगे, लेकिन फ्रेंड्स आज आपको एक स्पेशल जो मैं काओ मिल्क, जैसे मैं ये काओ मिल्क यूज कर रही हूँ, एक काओ मिल्क के साथ आपको एक रबड़ी बना का रेसिपी दिखाऊंगी। जैसे फ्रेंड्स, काओ मिल्क जो होती है अपने बॉडी के लिए काफी हेल्दी होती है और रिच इन फास्फोरस और कैल्शियम होता है इसमें। सो फ्रेंड्स, इसके अंदर जो मैंने आपके घर पे जितने फैमिली मेंबर्स हैं उतने ही आपको उसमें दूध यूज करना है। और जैसे कि इसमें 4 पैकेट हमने जो है मिल्क डाला हुआ है, और इसको तब तक हमें बनाना जब तक ये आधा ना हो जाए, लगभग जैसे 1.5 के आसपास इसको हमको रखना है फ्रेंड्स। लेकिन इतनी बात करने से पहले जैसे आपको मैं रेसिपी का आपको नाम भी मैं शेयर कर देती हूँ। हमारा जो रेसिपी है आज वो मैं बना रही हूँ गुलाब रबड़ी बना रही हूँ। काफी न्यू सा रेसिपी, आई एम श्योर आपको शॉकिंग फील होता होगा कौन सी रेसिपी है ये। फ्रेंड्स, आपको शॉली में रेसिपी का आपको मैं डिटेल्स आपको मैं शेयर करूंगी। ऑलरेडी इसे दूध मैंने बिठा दिया है और इसको स्लो आंच में हमें इसको जो है फुटाना है इसे। और ये काफी पेशेंस वाला है, ये काफी पेशेंस प्रोसेस है। सो फ्रेंड्स, थोड़ा सा भी हड़बड़ी करेंगे तो इसका टेस्ट है वो पूरा खराब हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ऑलरेडी हमने दूध बिठा दिया, गैस को हमने स्लो आंच पे रखा है, अभी आप इसको होने दीजिएगा। और इन द मेन टाइम जो है इसको मैं ऐसा यहाँ पे होने देती हूँ, आपको मैं फर्दर आपको नेक्स्ट प्रोसीजर बताऊंगी इसपे क्या करना है। जी फ्रेंड्स, जैसे आप देख रहे हैं कि अभी देखो ये दूध अभी जो ये फूट रहा है और इसको काफी धीमी आंच में हमें इसे फुटाना है। फ्रेंड, जैसे फूट रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि जैसे ये हो चुका है, इसको अभी हमें इस तरह से जो है फूटने देना है। इन द मीन टाइम मैं आपको जो नेक्स्ट स्टेप्स आपको बता रही हूँ इसपे क्या करना है। सो फ्रेंड्स, अभी इसमें थोड़ा सा मैं काजू डालूंगी और मेरा नेक्स्ट स्टेप है इसपे थोड़ा सा किशमिश डालूंगी इसमें। और नेक्स्ट इसमें डालूंगी थोड़ा सा बादाम डालूंगी इसमें। अब इस तरह से आप इसको बनने दे, थोड़ा और हो जाए उसके बाद थोड़ा सा इसमें हम जो है बाद में कॉन्डेंस मिल्क डालेंगे। सो फ्रेंड, जैसे अभी ये दूध हो रहा है इसमें, अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप है इसमें जो हम कॉन्डेंस मिल्क डाल देंगे। कॉन्डेंस मिल्क हमने डाल दिया, इसको इस तरह से आपको जो है पकाना है। अभी आप इसको जो इसको बनने दीजिए। जैसे फ्रेंड्स, अभी ये बन रहा है फ्रेंड, इसको जब तक ये 1.5 पैकेट के आसपास जैसे ये हो नहीं जाता है तब तक इसको पकाना, जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाए, दूध जब तक मर नहीं जाता है तब तक आपको इसको पकाना है। और इसको थोड़ा अभी जो मीडियम आंच कर देना है इसे। फ्रेंड, जैसे देखिए हमने इसमें जो एक देखो अभी केसर डाला हुआ है, और इसमें थोड़ा केसर जैसे कि काफी गर्म होती है, इसमें ज्यादा केसर आपको यूज नहीं करना है इसमें। इसमें कुछ स्ट्रैंड्स हमने केसर डाला है और अभी इसको आप तब तक पकाते रहिए जब तक ये 1.5 पैकेट के आसपास ये दूध ना हो जाए, ये गाढ़ा ना हो जाए। जैसे फ्रेंड्स देख रहे हैं राबड़ी अभी बन रही है। जैसे आप सोच रहे होंगे फ्रेंड्स कि कितना घंटे तक हमें इसको बिठाना है इस तरह से, फ्रेंड्स जैसे ये काफी जैसे ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, कम से कम इसको 1.5-2 घंटा तक आपको इस तरह से आपको प्रिपेयर करते रहना है। जैसे साइड साइड में मलाई लगती रहती है, इस तरह से आपको जो है छुड़ा छुड़ा के इसको हमें बीच में लाना है
और जैसे आप देख पा रहे ग्रीन कलर, जैसे आप देख पा रहे ये इलायची हमने इस पे ऐड की हुई है। ये इलायची जो जैसे कि फ्रेंड्स काफी अच्छा फ्लेवर देता है और डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छी चीज है और एज अ माउथ फ्रेशनर के हिसाब से ये यूज होता है। तो ये प्रोसेस आपको इसी हिसाब से कंटिन्यू रखना है जब तक दूध आप देखते जब तक गाढ़ा नहीं हो जाता है। जैसे फ्रेंड्स देखिए अब ये दूध जो है ये गाढ़ा होने जा रहा है। जैसे देखिए आप कलर देख पा रहे, कलर भी चेंज हो चुका है ये, और दूध जो है ऑन द प्रोसेस है। अभी इसको और थोड़ा आपको होने देना है। जैसे कंसिस्टेंसी आप देखते हैं, जैसे गाढ़ा थोड़ा हो गया तभी आपको इसको बंद कर देना है। देखिए काफी यमी सा कलर देखो आ रहा है इसमें। और थोड़ा इसको होने दीजिए, तकरीबन इसको 15 मिनट के आसपास इसको जो है इस तरह से बनने दे, और मीडियम आंच में इसको आपको पकाना है। सो फ्रेंड्स देखिए हमारा ये यम्मी सा जो है रबड़ी ये बन चुका है। हाँ, लेकिन जैसे कि इसका नाम गुलाब रबड़ी है, सो अभी एक्चुअल ट्विस्ट में हम आते हैं। रबड़ी तो बन चुका है, रबड़ी ठंडी हो गई है। अभी इस पे थोड़ा सा हम जो है व्हाइट रोज एसेंस इसमें हम डालेंगे। और सबसे सबसे बढ़िया चीज ये है हमारे हाथ पे रोज पेटल्स। इस तरह से हमें इसको जो है सजा देना है। जैसे फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो रोज को जो है छोटा छोटा टुकड़ा काट के जब ये दूध बनता तब आप डाल सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स लेकिन सबसे बेस्ट जो तरीका मैंने इसमें यूज किया हुआ है जो है इसमें गुलाब का जो मतलब फूल का में से पंखड़ी को अलग करके हमने इसमें इस तरह से डाल देना है। सो फ्रेंड्स देखिए हमारा यम्मी सा जो है गुलाब रबड़ी ये तैयार हो चुका है। फ्रेंड्स कैसा लगा जरूर से बताइएगा, और प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको रेड बटन प्रेस करना है और बेल बटन प्रेस करनी है नोटिफिकेशन के लिए। फ्रेंड्स विनती रहेगी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा ताकि आपको अधिक जानकारी मिले और आपको लेटेस्ट अपडेट्स भी मिलते रहें। टिल देन फ्रेंड्स स्टे ट्यून्ड, हैव फन, हैव अ प्लेजेंट इवनिंग। थैंक यू।